वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस एरीज। एरीज ये आपकी फेब्रुअरी की जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी लाइफ की जनरल प्रेडिक्शन करेंगे कि क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, कैसा आप फील करने वाले हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं। और क्योंकि हम अभी हम अभी जनरल लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं, इसीलिए ये रीडिंग आपके करियर से, आपकी पर्सनल लाइफ से, आपकी पर्सनल जर्नी से या फैमिली से, कहीं से भी रिलेटेड हो सकती है। तो जनरल मैसेजेस हम देखेंगे और उतने ही मैसेजेस लें जितने आप रिलेट कर पा रहे हैं। उसके बाद हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे आपके लिए कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, मैसेजेस क्या हैं, क्या आपको ध्यान रखना है फेब्रुअरी में। ओके एरीज, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला कार्ड है टू ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड है सिक्स ऑफ वांड्स। कोई कोलैबोरेशन है जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है आपकी लाइफ में। तो बेसिकली सिक्स ऑफ वांड्स किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना बताता है और टू ऑफ कप्स किसी के साथ में कोलैबोरेशन करना बताता है। अब ये कोलैबोरेशन पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। तो देयर इज़ अ चांस के पर्सनल लाइफ में आप किसी पर्सन से मिलें और आपकी फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा आउटशाइन कर दे सब कुछ, यू नो, बहुत ही सक्सेसफुल आपकी फ्रेंडशिप हो। और या फिर हो सकता है आप रोमांटिक लाइफ में किसी से मिलें और ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि करियर में कोई आपकी हेल्प कर रहा है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, आपने कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढ लिया है, आपने कोई मेंटोर ढूंढ लिया है, कोई टीचर ढूंढ लिया है, कोई गुरु ढूंढ लिया है, किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, आपकी कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है, आप अपनी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हो। तो बेसिकली ये इक्वल गिव एंड टेक है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी पर्सन के साथ ही, ये कोलैबोरेशन है आपका जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए। ओके तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे कि कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है या फिर कोई जगह है जो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट कर सकती है, उस पर्सन के साथ रिलेशंस बनाना या कोलैबोरेशन करना। उसके बाद हमारे पास टेन ऑफ वांड्स की एनर्जी है और फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके टेन ऑफ वांड्स और फोर ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वांड्स बोझ बताते हैं, मन का बोझ, बर्डन, लाइफ में बर्डन, लाइफ में कोई बोझ है जो लेके हम घूम रहे हैं और उस बोझ को हम छोड़ नहीं रहे हैं। ओके तो ये दोनों कार्ड्स क्या हैं, यहाँ पे आप बर्डन दिख रहे हैं और बर्डन होने का रीज़न ये हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके डर रहे हैं कि कोई मेरे पास चीज़ है जो मुझसे छिन ना जाए। अक्सर जब फोर ऑफ पेंटिकल आता है तो ये बताता है कि हमारा कैसा जो फाइनेंसिस को लेकर या पैसों को लेके जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा ख़राब है, हमें डर लग रहा है कि हम पैसे कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, हम हमारा खर्चा इस महीने का चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो कई बार ये पैसों को लेके टेंशन होती है कि पैसों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है अभी, बट कई बार दूसरी चीज़ों को लेके टेंशन होती है कि हमने कुछ पकड़ के रखा है, हम किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हम उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उतना हमें वो चीज़ टेंशन दे रही है। तो यहाँ पे बेसिकली कोर्स ऑफ एक्शन जो इन दोनों कार्ड्स का है वो ये है कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, जस्ट गो विद द फ्लो। पैसों को लेके भी अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो और आप बहुत ज़्यादा बजटिंग कर रहे हो कि ओ माय गॉड यार मुझे पैसे बचा के रखना है जिससे कि मैं थोड़ी सेविंग कर सकूँ अपने अगले महीने के लिए, तो ये जो माइंडसेट है ये थोड़ा सा लैक मेंटालिटी है जो जिस मेंटालिटी से आपको निकलना है। तो कुछ चीज़ आप पकड़ के रखना चाहते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि वो चीज़ अगर चली गई तो या तो वो चीज़ फिर से नहीं मिलेगी या फिर उससे बेटर चीज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी लैक मेंटालिटी है जिसे आपको चेंज करना है। डू रिमेम्बर एरीज, आपका दिमाग आपको ट्रिक कर रहा है नेगेटिव थिंकिंग में, इससे आपको बच के रहना है। एंड दिस इज़ द रीडिंग, दिस इज़ द रीज़न कि हम टैरो रीडिंग्स देखते हैं कि हमको प्रिडिक्शन देख के एक हेड्सअप मिल जाए। आपका दिमाग आपको ट्रिक कर सकता है नेगेटिव थिंकिंग के लिए एंड आपको खुद को रोकना है इस टाइम पे। ओके उसके बाद है क्वीन ऑफ वांड्स और द हाई प्रिस्टेस। कितनी प्यारी एनर्जी दिख रही है। क्वीन ऑफ वांड्स आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल एरीज हों चाहे आप फीमेल एरीज हों, फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यूनिवर्स का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स हर चीज़ में आपको ब्लेस कर रहे हैं या फिर हर चीज़ में आपके साथ में खड़े हुए हैं एकदम। ये आपकी स्पिरिचुअल पावर है, ये वो डिवाइन एनर्जी है
जो हमेशा आपके साथ में है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके गार्जियन एंजल्स आपको सपोर्ट करो, या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं। एट द सेम टाइम आप फेब्रुअरी में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं, शायद आप मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, या जो भी आपके रिलीजन में या फिर जो भी आप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स और पेज ऑफ कप्स, बहुत ही अमेजिंग सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी के पास अपना प्रपोजल लेके जा रहे हैं, और जिस पर्सन के पास आप प्रपोजल लेके जा रहे हैं अपना, वो पर्सन थोड़ा सा श्रूड है। तो ये ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हों, या फिर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, बट ये पर्सन थोड़ा सा श्रूड दिख रहा है। ये आपका बॉस भी हो सकता है, ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो आपको टफ टाइम दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा कोई पर्सन यहाँ पे टफ टाइम दे सकता है, एरीज, जो कि आपके बॉस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनको आप बहुत ही आप कुछ अपना प्रपोजल इस पर्सन के पास लेके जा रहे हैं कि मुझे ये चीज़ करना है, और वो पर्सन बोल रहा है कि नहीं, ये चीज़ करना अलाउड नहीं है, या फिर मेरे दिमाग में ये चल रहा है, और ये पर्सन बोल रहा है कि नहीं, ये चीज़ करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो कोई आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। आप कुछ डेस्परेटली करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बट जो आपके बॉस हैं, या आपके टीचर हैं, या जो आपके पेरेंट्स हैं, या फिर आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, जो आपके काम में थोड़ा सा टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही वियर्ड सी एनर्जी है, बट एग्जिस्ट करती है। वी हैव द स्टार और उसके बाद में सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ऐसी यहाँ पे आप कैसे दिख रहे थे, टेंशन ले रहे थे पैसों को लेके, और यहाँ पे आप देखिए किस एनर्जी में दिख रहे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये पैसों की टेंशन हो, बट किसी चीज़ की टेंशन है। अब यहाँ पे द स्टार कार्ड है और सिक्स ऑफ पेंटिकल आया है। द स्टार कार्ड ये बताता है कि लाइफ में किसी चीज़ में आपकी होप जो है वो वापस से आ रही है, लाइफ के किसी एस्पेक्ट में आपकी होप वापस से आ रही है, जिस चीज़ में आपने टफ टाइम देखा है। ओके, तो लाइफ में अगर पास्ट में कोई चीज़ अनसक्सेसफुल हुई है, या फिर लाइफ में किसी एस्पेक्ट में टफ टाइम आपने देखा है, जैसे अगेन आपके फाइनेंसेस, आपकी फैमिली, या फिर आपके रिलेशनशिप्स, उस चीज़ में आपकी होप रिटर्न से आ रही है एरीज, और एक बहुत ही प्यारा सा बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे या तो कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, या तो कुछ होप आ रही है। तो पहले जिस चीज़ पे आपने गिव अप कर दिया था, या फिर पहले चीज़ जो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, जहाँ से आपको थोड़ा सा पेन और टेंशन मिल रहा था, जहाँ पे आप शायद से थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे थे, उस जगह पे आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और होपफुल फील करेंगे, और कोई बहुत ही मेजर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। तो यहाँ पे स्टार आपकी होप बता रहा है, और स्टार आपकी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटी को बता रहा है, और यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आ रही है, वो भर भर के आपकी लाइफ में अबंडेंस को लेके आ रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास इतना अबंडेंस है कि आप लोगों में भी बांट सकते हैं। तो बेसिकली ये एनर्जी, इसके अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि बहुत टाइम से पैसे ढंग के नहीं आ रहे हो, जॉब से या बिजनेस से पैसे नहीं आ रहे हो, बट अभी कोई अपॉर्चुनिटी मिली, और आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं, और आपके पास पैसे आ गए, या फिर पैसे आने लगे, और उस पैसों को आप लोगों में भी शेयर कर रहे हो। अब इसका दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं, तो फॉर से के पास्ट में कुछ महीनों से किसी फ्रेंडशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ इश्यूज़ आए थे, बहुत टाइम से आप अपने फ्रेंड्स से अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, बट फिर आपकी बात होने लगती है, आपका मूड अच्छा रहने लगता है, और क्योंकि आपका मूड अच्छा है तो आप अपने अच्छे मूड को लोगों में भी बांट रहे हो। किसी दिन जब हमारा अच्छा मूड होता है और हम अपने घर पर आते हैं, तो कितने अच्छे से हम सबसे बात करते हैं, तो इट्स मोर लाइक कि आपको जो मिल रहा है वो आप लोगों में बांट रहे हैं। अगर आपको किसी पर्सन से प्यार मिल रहा है, तो आप और भी लोगों को प्यार बांट रहे हैं, या फिर पैसे अगर आपको अच्छे मिल रहे हैं, तो आप पैसे अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर चैरिटी में देते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जेनरस एनर्जी में आप दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, तो आप उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं लोगों से, या फिर अपनी फैमिली से। वाओ, उसके बाद है यहाँ पे
सेवन ऑफ कप्स और उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बता रहा है कि लाइफ के किसी एस्पेक्ट को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी लग रही है कि फेब्रुअरी में आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फील हो सकता है। ओवरवेलमिंग ऐसे लग सकता है आपको कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, लाइफ के इस एस्पेक्ट को भी ठीक करना है, उसको भी ठीक करना है, करियर पर भी फोकस करना है, हेल्थ पर भी फोकस करना है, मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करना है, स्पिरिचुअलिटी पर भी फोकस करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, जॉब भी करनी है, पढ़ना भी है। तो आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एकदम से बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, या फिर एकदम से आपका डिज़ायर बहुत ज़्यादा आ गया है कि मुझे ये भी ठीक करना है, वो भी ठीक करना है। तो थोड़ा सा फेब्रुअरी में आप ओवरवेलमिंग फील कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपके लिए कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि सबसे पहले ये देखिए कि कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यू नो, जो लाइफ के इस फेज़ में इम्पॉर्टेंस रखती है, उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, और बहुत ज़्यादा क्योटिक एनर्जी में मत रहें, अपना एक रास्ता चूज़ करें और उस रास्ते पे चलें। ये आपके लिए कोर्स ऑफ एक्शन है, बिकॉज़ अगर इन दोनों कार्ड को मैं देखूँ तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, और इमोशनली आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। यू नो, इट्स नॉट लाइक कि लाइफ में इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, इट्स मोर लाइक कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो दिमाग में आपके बहुत ज़्यादा कुछ आते हुए दिख रहा है। एट द सेम टाइम ये दोनों कार्ड ये भी बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है ऐसा हो जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करे, और जिसकी फीलिंग्स को लेके आप कंफ्यूज रहें कि ये पर्सन आखिर मुझसे चाहता क्या है, ये मेरे बारे में सोच क्या रहा है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है, यू नो। तो आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि कोई आपके कोई आपके बारे में कुछ सोच रहा है पर आपको बता नहीं रहा है, कोई कुछ प्लानिंग कर रहा है पर आपको बता नहीं रहा है। तो समवॉट ये एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। उसके बाद ओह माय गॉड, यहाँ पे सिनर्जी दिख रही है क्वीन ऑफ कप्स की और किंग ऑफ कप्स की। आप एक तो ना किसी से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं, और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं इसे आपकी रोमांटिक लाइफ से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक हो। यहाँ पे बेसिकली कोई पर्सन है जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। हमने यहाँ पे टू ऑफ कप्स देखा था, ओके, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कप्स है। ये एक पावर कपल की तरह दिख रहे हैं, और अगेन ये पावर कपल ऐसा हो सकता है कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, पेरेंट्स का आपके साथ में रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड का आपस में रिलेशनशिप, यू नो, आपके बिजनेस पार्टनर का, या फिर किसी ऐसे पर्सन का रिलेशनशिप। तो किसी के साथ में कोलैबोरेशन आपका हो रहा है यहाँ पे, और वो कोलैबोरेशन बार बार आपको क्या कर रहा है, आपको एम्पावर कर रहा है। मतलब कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको एम्पावर कर रहा है। आप यहाँ पे बहुत ही अबंडेंट एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास ये सपोर्ट सिस्टम है एरीज, तो इस सपोर्ट सिस्टम का यूज़ करिए। दिस इज़ सो अमेजिंग। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको अपोज कर रहा था आपकी लाइफ में, ये अपोजिशन है, कोई पर्सन आपको अपोज कर रहा है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, बट यहाँ पे ये जो सिनर्जी है, आपकी लाइफ का जो सपोर्ट सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि ये सब एनर्जीज आपका कुछ नहीं कर पाएंगी। तो इस सिनर्जी का, इस चीज़ का यूज़ करें। मैं और ज़्यादा ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव से इस चीज़ को देखना चाहती हूँ, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि लाइफ में कहीं आप उलझे हुए हैं तो आप देखिए कि आप किससे हेल्प ले सकते हैं। जैसे अगर आप करियर में उलझे हुए हैं तो उस पर्सन को फ़ोन करें जो आपकी नज़रों में आपको लगता है कि ये पर्सन समझदार है, या फिर ये पर्सन, इसको बहुत ही नॉलेज है मेरे फील्ड का, तो उससे बात करें। बिकॉज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं से आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुछ सपोर्ट मिलेगा जो शायद आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग भी हो सकता है। तो मैं ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। नाइन ऑफ पेंटिकल अगेन पैसों का अबंडेंस बताता है, और अपनी इंडिविजुअलिटी में स्टैंड करना और लाइफ में सक्सेसफुल होना बताता है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि फरवरी के स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, यहाँ पे कि जो लैक मेंटालिटी थी उसको लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। बट जैसे जैसे हम आपकी एनर्जीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि किसी के सपोर्ट से आप लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं। जो जिस चीज़ में आपको लैक फील हो रहा था कि लाइफ में इस चीज़ की कमी है, वो आपकी कमी पूरी तो हो रही है, साथ ही साथ उसी एस्पेक्ट में आपकी लाइफ में कुछ अबंडेंस भी आ रहा है। गेटिंग मी और नॉट, यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स है और द सन है, ये सो बेसिकली ये दोनों कार्ड साथ में आके ये बता रहे हैं कि पहले किसी चीज़ में आप डिसअपॉइंटेड हुए थे, ओके? ये देखिए आपके मैसेजेस कैसे रिपीट हो रहे हैं। आपका फोकस थ्री ऑफ कप्स पे था, किसी चीज़ में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली, बट यहाँ पे टू ऑफ कप्स है,
टू ऑफ कप्स अपॉर्चुनिटी भी बता रहा है कि पीछे मुड़ के देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी खड़ी होगी, और ये अपॉर्चुनिटी, ये जो दो कप्स हैं ये यहाँ पे भी दिख रहे हैं, और यही दो कप्स हैं जो हमें किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स से भी दिख रहे हैं। ओके सो वाओ, बहुत ही एक जैसे मैसेज आए हैं आपके लिए, इसीलिए मैं और ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और पर्सपेक्टिव जानते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है एरीज। ओके, ऑप्शन एंड चॉइसेस, टू पार्ट डिसीजंस प्लानिंग। ओके, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है कि आपको चूज करना पड़े लाइफ में, हो सकता है कि आपके पास दो रास्ते हों जिनमें से एक रास्ता आपको चूज करना पड़े, हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हो सकता है आपके पास चॉइसेस हो, कोई डिसीजन आपको लेना पड़े। और यस, तो यहाँ पे आप कुछ डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, छोटा या बड़ा डिसीजन। उसके बाद कितनी बार यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आएगी, ओह माय गॉड, ये क्वीन ऑफ कप्स कौन है, दिस एनर्जी इज सो अमेजिंग। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई बहुत ही मैच्योर और बहुत ही फैमिनिन, मतलब ज़रूरी नहीं है कि फीमेल हो, कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है, आपको नर्चर कर रहा है, आपको सिक्योरिटी दे रहा है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काइंड है, ये पर्सन फिर से फेब्रुअरी में आपकी लाइफ में दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए लिटरली आपकी मदर हो सकती है, आपके स्पाउस हो सकते हैं। ओ, नाइन ऑफ कप्स है यहाँ पे, विशेस कमिंग ट्रू, तो यहाँ पे कोई आपकी विश है जो पूरी हो रही है, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, खुश हैं हम लाइफ में, और यहाँ पे किसी चीज़ में हो सकता है कि अचीवमेंट मिल जाए या फिर किसी टाइप की प्रॉस्पेरिटी मिल जाए आपको। वाओ, अगेन वेरी पॉजिटिव कार्ड। उसके बाद क्या हो रहा है लाइफ में? ओके, तो यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है और ये बता रहा है कि अगेन आपकी लाइफ की एक जो आपका लाइफ का कोई काम पूरा हो रहा है, बेसिकली लाइक कोई चैप्टर है जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। ओके, सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। अब एक्चुअली द वर्ल्ड कार्ड बेसिकली हमें ये बताते हैं कि एक सीज़न अब कंप्लीट हुआ, बट एट द सेम टाइम ये भी बताते कि एक सीज़न सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। और इस कार्ड के ऊपर हम देखें तो यहाँ पे सक्सेस, अचीवमेंट, अकम्प्लिशमेंट, ट्रैवल भी है, कुछ लोग आप इसे ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है लाइफ में, फुलफिलिंग फील हो रहा है लाइफ में, अच्छा फील हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक साइकिल माइक ड्रॉप है, ये माइक ड्रॉप मूवमेंट है, मैं माइक को ड्रॉप कर रही हूँ। ओके, बिकॉज कैन यू इमेजिन दिस कांट बी अ कोइंसिडेंस। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, कितनी बार ये सेम एनर्जी यहाँ पे आएगी? यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ फेब्रुअरी में, जब ये चीज़ आपको मैनिफेस्ट होते हुए दिखेगी, जब आपको ये फील होगा कि हाँ मेरी लाइफ में कोई पर्सन है जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, जो मुझे लाइफ में आगे बढ़ा रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा काइंड है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा लविंग है, ये जो भी पर्सन होगा ना, प्लीज़ इस वीडियो पे आके कमेंट ज़रूर से करके मुझे बताइएगा, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ में इतना अमेजिंग सा सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है। क्या ये आपके गार्जियन एंजल्स हैं? क्या ये डिवाइन एनर्जी है जिन्हें आप फील कर पा रहे हैं, जो आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट या सक्सेस लेके आ रही है? ओ माय गॉड, आई एम सो अमेज्ड। तो इमोशनली तो आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाले मोड में हैं। उसके बाद है यहाँ पे कुछ इंस्टेंटली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे फेब्रुअरी में, तो कुछ इंस्टेंट चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ऐसी होती है, एकदम से कुछ बदल गया, एकदम से लाइफ में कुछ हो गया, एकदम से कुछ मज़ा आ गया एकदम लाइफ में, यू नो। तो यहाँ पे और इस कार्ड पे लिखा है बिग चेंजेस, इंस्टेंट एक्शन, सीज द मोमेंट। ओके ओके यस, तो यहाँ पे यही सारी चीज़ हमें दिख रही है कि अचानक से कोई बड़े चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ही अच्छा कार्ड है, बिकॉज ये बता रहा है कि गुड लक है आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी टर्निंग पॉइंट पे है, चेंजेस आ रहे हैं, आपके अच्छे कर्मज आपको मिल रहे हैं। ओ माय गॉड, बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। कुछ और प्रेडिक्शन के कार्ड लूँगी मैं, उसके बाद हम गाइडेंस पे आएंगे। बहुत ही अलग टाइप की रीडिंग थी और
इस रीडिंग को प्लीज़ क्लेम करिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली आपकी किस्मत बदल रही है। गेट बैक टू द बेसिक, कोई चीज़ आप शुरू से शुरू कर रहे हैं फरवरी के मंथ में, मतलब किसी चीज़ को अगर आपने बीच में छोड़ दिया था, किसी चीज़ पे आपने गिव अप कर दिया था, तो आप शुरू से शुरू करेंगे। ये बहुत ही छोटी चीज़ भी हो सकती है कि हमने बहुत टाइम से, 2-3 महीने से हेल्दी फूड कंज्यूम करना छोड़ दिया है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर हमने मेडिटेशन छोड़ दिया है, तो हम डिसाइड करेंगे चलो इस महीने से मेडिटेशन शुरू करेंगे, या फिर कोई पढ़ाई बीच में आपने छोड़ दी थी तो मेरे ख्याल से आप फिर से शुरू करेंगे। तो कुछ चीज़ें जो आपने छोड़ दी थी वो आप शुरू करेंगे। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, यस आपका अटेंशन ऑलरेडी मुझे फाइनेंसेस पे दिख रहा है आपके, बट यहाँ पे भी आपके लिए यही आ रहा है कि सोच समझ के पैसे खर्च करें। लाइफ में आपके अबंडेंस आते हुए दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, तो थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद करिएगा, कोई भी हेस्टी सीजन हमें नहीं लेना है। उसके बाद है रोमांसेस इन द एयर, तो आप में से कुछ लोगों के लिए तो बड़ा ही रोमांटिक ये महीना होगा, बिकॉज यहाँ पे रोमांस दिख रहा है फॉर श्योर। पीस एंड हार्मनी, फरवरी में आप बहुत ही ज़्यादा पीसफुल फील करेंगे, लाइफ में हार्मनी आते हुए दिख रही है आपके रिलेशनशिप्स में। एट द सेम टाइम आप इमोशनली भी बहुत ही फुलफिल्ड फील करें, क्योंकि इतने सारे कप्स हैं आपकी लाइफ में। उसके बाद है गारंटेड सक्सेस, तो इस कार्ड में लिखा हुआ है कि ये कार्ड गारंटी ले रहा है आपके सक्सेस की, एरीज। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, जिस भी चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हैं, कीप गोइंग, आप फॉर श्योर सक्सेसफुल होंगे। उसके बाद है मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम जो आप फेस कर सकते हैं वो किसी चीज़ में कन्फ्यूजन या ओवरवेलमेंट है। और एक बार और ये मैसेज आपके लिए आया है कि सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश ना करें, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करके चलें कि कौन सी चीज़ करना अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करें, क्योंकि थोड़ी सी अनक्लियर थिंकिंग दिख रही है। यहाँ पे कार्ड है हैप्पीनेस का, तो बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे आएंगे फरवरी में जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा खुश फील करेंगे, हैप्पीनेस फील करेंगे। यहाँ पे फेयर वुमन है आपकी लाइफ में, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिनिन एनर्जी दिख रही है। तो अगेन कुछ लोगों के लिए ये आपकी पार्टनर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपकी फ्रेंड हो सकती है, यू नो। तो कोई पर्सन है जो फीमेल है जो आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। यहाँ पे है सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, आपकी कोई परेशानी है उस परेशानी से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसी परेशानी जिसके बारे में आप सोच रहे थे मुझे नहीं लगता मैं इससे कभी निकल पाऊँगी, या मेरे हाथ में नहीं है इससे निकलना, या फिर यू नो कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आप कुछ हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये चीज़ कब ख़त्म होगी, ये चीज़ कब होना यू नो मुझे प्रॉब्लम देना बंद करेगी। तो यहाँ पे आप सक्सेसफुली उस चीज़ से निकलते हुए दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, तो जैसे हमने हाई प्रीस्टेस से देखा था कि स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा आप कनेक्टेड दिख रहे हैं, तो फरवरी में ये कार्ड फिर से आया है जहाँ पे आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। एंजल नंबर्स दिखेंगे, यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन होने वाला है, बहुत सारी गाइडेंस मिलने वाली है, एपिफनीज होने वाली है, इंट्यूशन आपका काम करने वाला है। आप समझ लीजिए आप नेचर से, एनिमल्स से और यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं फरवरी में, विच मीन्स कि आप हायर वाइब्रेशन में हैं, विच मीन्स कि जब हम हायर वाइब्रेशन में होते हैं तो हम लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस को क्रिएट करते हैं, इसीलिए शायद इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। चलिए अब हम आते हैं उस पार्ट पे जहाँ पे हम यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए देखेंगे और गाइडेंस देखेंगे। तो ओवरऑल मंथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर, फियर, या किसी चीज़ को खोने का डर, या किसी चीज़ में सक्सेसफुल ना होने पाने का डर फील हो सकता है। उसके बाद में हो सकता है कोई साइकिल ख़त्म हो, सक्सेसफुली आप किसी प्रॉब्लम से निकले। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिनर्जी किसी पर्सन के साथ दिख रही है और कोई सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है, और किसी प्रॉब्लम से अगेन आप निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हेस्टी डिसीजंस मत लीजिएगा, जल्दबाजी में आके कोई डिसीजन मत लीजिएगा। कोई काम अगर आपने बीच में छोड़ दिया था और वो काम आपको बेनिफिट कर रहा था, बट फॉर सम रीज़न आपकी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो गई थी, तो वो काम वापस से करना शुरू करें। और यस,
दिस इज़ इट राइट। और हाँ, गारंटेड सक्सेस का कार्ड था, मतलब जिस भी चीज़ पे आप एफर्ट लगा रहे हैं उस चीज़ पे अगर आप एफर्ट लगाते रहेंगे तो आपकी सक्सेस गारंटेड है। यहाँ पे कोई पर्सन जो आपसे बड़ा है, चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे ओहदे में, पोजीशन में बड़ा हो, ये पर्सन थोड़ा सा आपको टफ टाइम दे सकता है। ओके चलिए, अब है गेटवे। गेटवे बेसिकली यूनिवर्स की गाइडेंस है, और गेटवे गाइडेंस है मतलब कि यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके लिए नए रास्ते ओपन हो रहे हैं, या फिर आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं। बहुत ही ध्यान रखिए कि दिमाग में क्या इपिफनीज आ रही हैं आपके, आपका इंट्यूशन आपको कहाँ जाने के लिए गाइड कर रहा है, या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लाइफ को बेहतर कैसे हम बना सकते हैं। तो कुछ नए रास्ते आपके लिए ओपन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हों फरवरी में, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नई चीज़ें ढूंढ रहे हैं, जो अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं। आप लोग को स्पेशली ध्यान रखना है, गेटवे मतलब होता है कि कोई दरवाज़ा ओपन हो रहा है आपके लिए, यू नो, कोई अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है। एक्शन एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन दो हमने इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देखी है एरीज आपकी लाइफ में, वो पॉजिटिव एनर्जी जो दिख रही है उसे क्लेम करना, उसको इनकैश करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक्शन लीजिए, याद रखिए एक्शन दो तरीके के होते हैं, एक फैमिनिन एक्शन और एक मैस्कुलिन एक्शन। मतलब कि फैमिनिन एक्शन, किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए अपने स्पिरिचुअल साइड का यूज़ करें। आपका स्पिरिचुअल साइड है अपनी अफर्मेशंस बोलना, मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड लिखना, यू नो, प्रेयर्स करना, इस मेथड का भी यूज़ करें। एट द सेम टाइम जो एक्शन लेना है उस एक्शन को भी लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एग्ज़ाम आने वाली है तो पढ़ाई तो करिए, पर साथ में ही मेडिटेशन भी करिए, अफर्मेशंस भी बोलिए। ये दोनों चीज़ें जब आप कंबाइन करेंगे, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को और अपना एक्शन लेने को, तो आप लाइफ में फॉर श्योर सक्सेसफुल होंगे। ओके उसके बाद में है ट्रस्ट। ओके ये कार्ड बताता है कि भरोसा रखिए, आपको लाइफ जिस डायरेक्शन में ले जा रही है वो डायरेक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको भरोसा रखना है थोड़ा सा, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न्स, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, हो सकता है कुछ नयापन आ रहा हो। तो कई बार क्या होता है कि जब चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में तो हम हमेशा थोड़ा सा डिसकंफर्ट फील करते हैं, क्योंकि जब लाइफ में चेंजेस होते हैं तो स्पेशली हमारे दिमाग को और हमारे नर्वस सिस्टम को, क्योंकि उन नई चीज़ों की आदत नहीं होती है, तो स्टार्टिंग में बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग आती है, या फिर हमें चेंजेस अच्छे नहीं लगते हैं। तो चेंजेस आ रहे हों या फिर कुछ परेशानी आ रही हो, जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि ट्रस्ट रखिए, जिस भी पाथ पे आप चल रहे हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, अल्टीमेटली वो आपको फाइनल आपकी डेस्टिनी तक लेके जाएंगी और सक्सेस तक लेके जाएंगी। तो जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, देयर इज़ अ रीज़न कि वो चीज़ें हो रही हैं। एंड आई नो इट साउंड्स वेरी क्लीशे एरीज बार बार ये चीज़ बोलना, बट थोड़ा सा पेशेंस और ट्रस्ट रखिए। ओके उसके बाद है ब्लेसिंग्स। तो हम थ्रू आउट द रीडिंग एरीज, थ्रू आउट द रीडिंग यूनिवर्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग दिख रही है आपकी लाइफ में, और फिर से ब्लेसिंग्स का कार्ड आ गया है। ओके तो काफ़ी पॉजिटिविटी आप फील करने, सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होगी कि आप अपने आप में ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव फील करने लग जाएंगे, और वहाँ से आपकी लाइफ थोड़ी थोड़ी चेंज होने लग जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स से भरा हुआ आपका फरवरी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग का कार्ड आया है और यहाँ पे है न्यू बिगिनिंग्स। तो आपकी लाइफ के किसी एस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे है सॉलिट्यूड। आप में से कुछ लोग अपना समय सॉलिट्यूड में बिताते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए शायद आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी हैं। मतलब आप अपनी लाइफ को सुधारने के लिए समय निकाल रहे हैं, या फिर क्योंकि ये गाइडेंस है तो समय निकालिए थोड़ा सॉलिट्यूड के लिए। सॉलिट्यूड का समय निकालना मतलब कि वही बात है जो जिस एनर्जी को हम डिस्कस कर रहे थे कि मेडिटेशन करिए, ग्रैटिट्यूड लिखिए, अफर्मेशन लिखिए, नेचर में जाइए, वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए। थोड़ा कुछ दिन भर में ऐसा टाइम होना चाहिए जो आपके खुद के लिए हो, यू नो। तो यस, सॉलिट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और वो कनेक्शन जो यूनिवर्स का है उसे फील करना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जब तक हम बहुत ज़्यादा भीड़ में रहते हैं,
या फिर लाइफ में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, तब तक हम यूनिवर्स की प्रेजेंस को कई बार फील नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा समय ऐसा होना चाहिए जब हम सोशल मीडिया नहीं देख रहे हों, हम खुद में हों, यू नो, कहीं पे डिस्ट्रैक्टेड ना हों, और जब हम एकदम अकेले हों तो हमें वो यूनिवर्स की, यूनिवर्स का लव और पॉजिटिविटी फील होता है, तो उसे फील ज़रूर करिएगा। उसके बाद फ्लो है, जैसा हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, आपकी लाइफ आपको कहीं पर लेके जा रही है, और एक बार ट्राई करिए कि आपकी लाइफ आपको क्या दिखाना चाहती है या फिर कौन से रास्ते ओपन कर रही है। तो थोड़ा सा फ्लो करें लाइफ में, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, फ्लो करें। ये फ्लो है कि आप लाइफ के साथ में बह रहे हैं, और ये कंट्रोल है। उप्स, ओके। तो यहाँ पे कार्ड आया है, द की टू सक्सेस इज़ टू स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। ओके, ये आप में से कुछ लोगों के लिए कार्ड है, और ये कार्ड ये बोल रहा है कि ये मत सोचिए कि जब सही समय आएगा तब मैं ये चीज़ शुरू करूँगी, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मुझे इस काम में परफेक्शन नहीं है, अभी मुझे इस काम के बारे में कुछ नहीं पता है, जब राइट समय आएगा तो मैं शुरू करूँगी। यू नो, कई बार हम कोई काम शुरू नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं उस काम के लिए या रेडी नहीं हैं। तो यहाँ पे मैसेज है, स्टार्ट, जो चीज़ आप शुरू करने का सोच रहे हैं शुरू कर दीजिए। सक्सेस की ये होती है कि आप रेडी होने से पहले ही शुरू कर दें, तो उस दिन के आने का वेट मत करो कि मैं ये कर लूँगी तब ये चीज़ मैं शुरू करूँगी, मुझे ये चीज़ सीख लूँगी तब मैं ये चीज़ शुरू करूँगी। जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल हैं और जहाँ पे भी आप स्टैंड कर रहे हैं वहीं से शुरू कर दें। ओके, तो यहाँ पे कुछ शुरू करना है आपको। हाँ, परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार मत करिए, अभी ही परफेक्ट मोमेंट है। ओके, तो परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करिए, आज ही परफेक्ट मोमेंट है। ड्रीम्स, योर ड्रीम्स आर वर्थ फाइटिंग फॉर, नेवर गिव अप ऑन देम। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हैं, चाहे वो ड्रीम्स थोड़े से मुश्किल लग रहे हों, चाहे वो ड्रीम्स अचीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हों, बट दे आर वर्थ फाइटिंग फॉर। अपने ड्रीम्स पे गिव अप ना करें। हो सकता है कि पहले आपने कुछ चीज़ करने का ट्राई किया हो बट आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, या फिर कोई अड़चने आ गई, या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए और आपने उस चीज़ पर गिव अप कर दिया। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि जो आप ड्रीम देख रहे हैं या फिर जिस टाइप की आप लाइफ को इमेजिन करते हैं वैसी लाइफ आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, तो गिव अप मत करिए। हो सकता है कि थोड़े से हर्डल आए बट गिव अप मत करिए। परफेक्ट, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। तो बेसिकली ये कार्ड ऐसा बोलता है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि जब लाइफ में ये चीज़ हो जाएगी तब हम खुश रहेंगे, वो चीज़ हो जाएगी तब हम खुश होंगे, एक बार मुझे जॉब मिल जाए तब मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, एक बार मुझे लाइफ पार्टनर मिल जाए तब मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, इतने पैसे आ जाएंगे तब मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तब मैं खुश रहूँगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि सी एरीज, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि उस परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करें जब आप लाइफ को इन्जॉय करेंगे। अभी जितना है, आप जहाँ हैं, आप वहाँ पर भी अपनी लाइफ को इन्जॉय कर सकते हैं, और लाइफ एक डेस्टिनी पे डिपेंड नहीं रहनी चाहिए, लाइफ एक जर्नी है, हमेशा वो जर्नी रहेगी। अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे तो उस लेवल से आप दूसरे लेवल पे जाने की इच्छा रखेंगे, जब वो चीज़ भी मिल जाएगी तो तीसरी चीज़ की इच्छा आएगी। तो जो डिज़ायर्स हैं वो कभी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं होंगी, पर जहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिनको लेके आप खुश रह सकते हैं। तो परफेक्ट मोमेंट के आने का वेट मत करिए, जितने भी लोग हैं लाइफ में, जो भी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं उसमें खुश रहें, थोड़ा सा ट्राई करें। ओके, और मैंने मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पेशली जो मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी है एरीज़, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैंने ये चीज़ ना सबसे पहले मैनिफेस्टेशन से सीखी थी कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो तो सिंपल सा की होता है कि आपको हायर वाइब्रेशन में रहना पड़ता है, इन द सेंस कि आपको खुश रहना है। ओके, आप जितने ज़्यादा खुश रहेंगे और जितने ज़्यादा आपके इमोशंस पॉजिटिव रहेंगे उतना आसान होगा पॉजिटिविटी, सक्सेस और अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना। उस चीज़ की वजह से मैंने लाइफ में डेलिब्रेटली खुश रहने की कोशिश की है, और ऐसा होता है एरीज, ट्रस्ट मी। अगर आपका मूड बहुत भी ज़्यादा भी ख़राब है ना, बट आप डेलिब्रेटली कोशिश करोगे ना अपने मूड ठीक करने का, किसी को फ़ोन कर लिया, कुछ देख लिया, कुछ करने चले गए, यू नो, कुछ कोशिश अगर आप करोगे ना खुश रहने की, तो धीरे धीरे आप उस माइंडसेट में आ जाओगे जहाँ पे आपके सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो आप लाइफ को इन्जॉय करने लगोगे। ये पता है प्रैक्टिस से आता है, ट्रस्ट मी। मैंने ये किया तो अपने मैनिफेस्ट
एक्सपेक्टेशंस के लिए था, बट आई वॉज सो शॉक्ड कि अगर मैं डाउन फील करती थी या मैं नेगेटिव फील करती थी, तो मैं सोचती थी कि मैं किस चीज़ के बारे में सोचूंगी तो मुझे बेटर फील होगा, या फिर मैं किसको फ़ोन करूँ कि मुझे बेटर फील होगा, थोड़ा सा भले ही मुझे 5 मिनट के लिए फील हो। बट जब आप डेलिबरेटली खुश रहने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए खुश होना, आप हर एक मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। बट आप जब नेगेटिव माइंडसेट में होते हैं ना, तो आसपास कितनी भी खुशी हो, हम उसमें भी नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो डेलिबरेटली, डेलिबरेट वर्ड याद रखें, जानबूझ के खुशियाँ अपनी ढूंढें कि कहाँ से मिल रही है खुशी आपको, ओके। उसके बाद है इम्पॉसिबल इज नथिंग, द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ इज डूइंग वॉट पीपल से यू कांट डू। कुछ भी चीज़ लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है। लाइफ ने आपको पास्ट में कितना भी टफ टाइम दिखाया हो, लाइफ ने आपको कितने भी डंडे मारे हों, बट अगर किसी एस्पेक्ट में अभी तक फेलियर मिलता आया है, या फिर लाइफ का कोई एस्पेक्ट ख़राब है, तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि उसको अचीव करना इम्पॉसिबल है। अब तो ये चीज़ ठीक हो ही नहीं सकती, अब तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपना फेलियर। नहीं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। और लाइफ का सबसे बड़ा प्लेजर ये होता है कि आप वो करके दिखाएं जो लोग आपको बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। तो अपने, अगेन आपके लिए ये भी था ना, अपने ड्रीम्स पे गिव अप ना करें, सो मेक सेंस। उसके बाद है स्टार्ट, द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। आई डोंट बिलीव कि स्टार्ट का मैसेज दो बार आपके लिए आया है, और इस कार्ड में, इस डेक में दो कार्ड्स हैं स्टार्ट के, तो ये वापस से आपका स्टार्ट के लिए मैसेज आया है कि आगे बढ़ने का सीक्रेट ये है कि शुरू करें एटलीस्ट काम, मतलब काम करना तो शुरू करें, फिर आगे भी बढ़ जाएंगे। माइंडसेट, एम्ब्रेस द वॉरियर माइंडसेट, एक वॉरियर के माइंडसेट में आए। वॉरियर मतलब कौन होता है? योद्धा, योद्धा होता है। तो वॉरियर के माइंडसेट में आए, रेजिलिएंट बने, डिटरमाइंड बने, और जितने भी लाइफ की मुश्किल है उनको कॉन्कर करने के लिए रेडी हो जाएं। तो थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग फेस रखने की ज़रूरत है। वॉरियर के माइंडसेट में आपको आना है, योद्धा के माइंडसेट में आपको आना है। जो लोग भी गेम्स खेलते हैं, तो आप जब गेम्स खेलते हो तो कितने सारे प्रॉब्लम्स आती हैं और चैलेंजेस होते हैं, कितना मज़ा आता है उन चैलेंजेस से लड़ना और अपने गेम में जीत जाना। तो ऐसे ही लाइफ को भी देखें, लाइफ के जो चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ में उन चैलेंजेस से लड़ें और एडवेंचर के साथ में लड़ें, और सोचें कि जो भी चैलेंजेस आएंगे मैं उसे ख़त्म करूंगी और मैं लाइफ में सक्सेसफुल होंगी। तो लाइफ को थोड़ा सा इस वॉरियर के माइंडसेट से, एक योद्धा के माइंडसेट से आपको देखना है। तो ये सारे मैसेजेस थे आपके लिए एरीज आज, और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।